फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। लगता है जिंदान के अंधेरे से जान जाने का खौफ हो गया है तुम्हें। मैं तुम्हारी रियासत या अमीर सादतीन जैसे शख्स के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। चावदार कबीले की हिजरत की जिम्मेदारी तुम्हारी है तुर्कुत। जो आपका हुक्म भाई। मेरा ख्याल था कि आपके बड़े फर्जंद खयाल। नहीं, मेरे छोटे फर्जंद किलिज अरसलान को सल्तनत का निजाम संभालना होगा। साहब जी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। आप जल्दी से वापस आ जाए वालिदा, हम दोनों भाई आपका इंतजार करेंगे। अर्तुरुल हैरिस को कोनिया लेकर जा रहा है, वो उसे वादा मुआफ गवाह बनाकर सुल्तान के सामने पेश करेगा। सुल्तान के महल में मौजूद गद्दार को पकड़ लिया गया है। कौन था गद्दार? अमीर निजामुद्दीन था भाई। आखिर वो जासूस कौन है? अर्तुरुल की बीवी मारिया। अर्तुरुल के लिए मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि महल में उसकी कब्र बन जाएगी और उसके सबूत भी दफन हो जाएंगे उसके साथ। लेकिन पानी की फरावानी है वहां और हरियाली भी ज्यादा है। मुनासिब होगा वहीं आबाद हो जाए हम। के साथ घोड़े दौड़ाना बहुत याद आता है अर्तुरुल। जब हम घोड़े दौड़ाते हुए थक जाते थे तो दरख्त के साए में आराम करते। तुम्हें लगता है मुझे ये सब याद नहीं आता हलीमा? अफसुर्दा करना मकसद नहीं था, आपकी मसरूफियात समझती हूँ मैं। ये कुर्बत और प्यार ही मेरे लिए काफी है अर्तुरुल। मैं जहां भी जाता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होती हो हलीमा। हमारे मसाइब से घिरे हुए दिन अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं अर्तुरुल। सरदार आला का मनसब, हमारी फतूहात और हमारे बच्चे साथ हैं हमारे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे।
वालिदा ने ख्वाब में देखा था कि हमारा एक बेटा हुआ है, उस्मान। उस्मान, सुलेमान शाह ने वसीयत भी की थी अब हमारे एक और बेटा होगा तो उसका नाम उस्मान रखेंगे। इसका मतलब है कि उस्मान की सूरत में एक और बेटा आता होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैंने भी अपने मुश्किल दिनों में ख्वाब देखा था उस्मान का। अर्तुरुल, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वालिदा ने आपके बाद ये ख्वाब देखा है? ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इंशाल्लाह। दुआ करो कि हमारे ख्वाब खुशगुन हकीकत का रूप धार ले। मेरा उस्मान मेरे ख्वाब के मुताबिक गुलजहां का बहादुर फातेह हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अर्तुरुल, आपको याद है जब आप शिकार पर जाया करते थे तो मेरे लिए अपने हाथों से शिकार किया हुआ गोश्त लाते? परेशान मत हो तुम, आज भी शिकारगाहें अर्तुरुल की मुंतजर हैं। शिकार आप लाइए और आतिश का इंतजाम मैं करती हूं। मतलब कि अमीर सादुद्दीन आपसे बात करना चाहता है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई अच्छी खबर उनके मुंह से सुनने को मिली हो महपरी खातून। लेकिन उनसे मिलना फायदेमंद हो सकता है। ठीक कहा, उनसे बात करने में कोई हर्ज नहीं। जैसा आपका हुक्म। अर्तुरुल साहब की तरफ से कोई खबर आई? जी नहीं। सुल्तान की निगाह में इस कदर बुलंद मकाम पाने वाले सरदार आला से मिलना चाहूंगी मैं। देखते हैं अर्तुरुल सरदार, सुल्तान से वफादारी निभाने वाला वक्त आने पर शहजादे गयासुद्दीन का उतना ही वफादार होगा। अर्तुरुल जैसा बहादुर सरदार वोज में आज तक नहीं देखा गया। अपने मुख्तसर से लश्कर के साथ उसने मंगोलों और जमींदार की फौज को धूल चटा दी, काराजा एसार फतह कर लिया, जबकि सुल्तान की अर्तुरुल के साथ मोहब्बत और कुर्बत आशकार है। हमें मोहतात रहना चाहिए खातून। सुल्तान से उसकी वफादारी हमारी राह में हायल हो सकती है, उस पर हमेशा नजर रखूंगी मैं। अब जाइए, आप अमीर सादुद्दीन से मुलाकात कीजिए। जैसा आपका हुक्म।
हर खेमे के दरमियान 10 कदम का फासला होना चाहिए। भूलना मत ये बात। भेड़ों के लिए भी जगह छोड़नी है। जल्दी करो मेरे भाइयों, शाबाश, जल्दी करो। तुर्कुत भाई, तुर्कुत भाई, खुशामदीद मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का कि दोनों कबाइल एक साथ हो गए हैं भाई, बहुत शुक्र है। लेकिन मेरे भाई, मुझे ये जगह महफूज नहीं लगती। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कबीले यहाँ बसेरा करते हैं तो सामने के पहाड़ से सब वाज़े होगा और फिर दुश्मन के लिए दोनों कबाइल पर उस खाली जगह से हमला करना आसान हो जाएगा भाई। बेफिक्र रहो मेरे भाई, तुम हर शय पर रख लिए मैंने। उन पहाड़ों पर हमारे सिपाही दिन रात पहरा देंगे, दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। अगर हम तुम्हारी बताई हुई जगह पर खैमे नस्ब करते तो दोनों कबाइल के रेवड़ों के लिए चरागाह ना काफी होती। इस जगह पानी का भी कोई मसला नहीं होगा बमसी सिपा सालार, बहुत माकूल और मुनासिब जगह है। हमारी चरागाहों के लिए भी बहुत जरखेज और सरसब्ज है ये जगह। सरदारान, असलेहान खातून, तुर्कुत भाई, अगर आप मेरी बताई हुई जगह पर खैमे नस्ब करते हैं तो हम दुश्मन के हमले को कब्ज वक्त ही आसानी से रोक सकते हैं। पानी, पानी की वजह से परेशान है आप लोग। अगर जरूरत पड़ी तो हम जमीन खोद कर पानी वहां तक ले आएंगे। मैं दोनों कबाइल की हिफाजत के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे। बमसी, तुम्हें मेरे फैसलों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अपने मामला देखो तुम। कई साल मैं भी सिपा सालार रहा हूं, जानता हूं क्या जरूरी है। भाई, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन तुम अपने सामने मौजूद खतरे को नजरअंदाज कर रहे हो। अब चावदार कबीले का सरदार हूं मैं। अगर हम लोगों को ये जगह मुनासिब लगती है तो हम यहीं पड़ाव डालेंगे। इस मौजू पर आइंदा कोई बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, ठीक है फिर। सरदार, जैसा आपका हुक्म सरदार। हाइमा खानम, हाइमा खानम, हाइमा खानम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। खुशामदीद हाइमा खानम। शुक्रिया तुर्कुत। आप तो कले में आराम कर रही थी, क्यों चली आई? तसल्ली रखो बेटा, बिल्कुल ठीक हूं मैं। मेरे बेटे आ रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल करनी है, इसलिए कबीले आ गई मैं। यहां पहुंच के तुम्हें भी देखना चाहती थी। आप मुझे हुक्म करती हाइमा खानम, मैं किले खुद हाजिर हो जाता आपको लेने के लिए। बमसी के साथ क्या मसला हुआ है? बमसी का कहना है कि यह जगह गैर महफूज है, लेकिन तमाम सरदारान और मुझे ये जगह मुनासिब लगती है। अगर हम उसकी बताई हुई जगह पर खैमे लगाते हैं तो दोनों कबाइल के रेवड़ों के लिए चरागाह कम पड़ जाएगी। बमसी ये बात नहीं समझ पा रहा। तुम अपने मामलात देखो बेटा।
जल्दी करो मेरे भाइयों, शाबाश, जल्दी करो। यह वो खतरनाक जंगजू जिनके बारे में बताया था। देखो मेरे आदमियों को एंगेलूस, खतरनाक कातिल। जर्मन जंगजू, ये सब जहन्नुम के सिपाही हैं। इन में से हर एक ने ना जाने कितने तुर्कों को मारा है। और अब अर्दुल के अतराफ में मौजूद कबाइल के लोगों का खून बहाने के लिए बेचैन है। अगर इनकी यही ख्वाहिश है तो हम इनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तुर्कों की मौत। के लिबास से जाहिर है यकीनन किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। खूबसूरत खातून है, गुलामों के बाजार में इसे बेच सकते हैं, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इसकी। तो फिर इंतजार किस बात का, चलो पकड़ लेते हैं। Thank you.
हलीमा। कौन हो तुम लोग? हम इस जगह के मालिक हैं और अब तुम हमारी गुलाम हो। परेशान मत हो, भूखा नहीं मारेंगे तुम्हें। ले चलो इसे। ये खातून तो लड़ना भी जानती है। शम्सुद्दीन अल्तुनाबा, मेरे घर को रौनक बख्शी आपने, तशरीफ रखिए। मुझसे किसी अहम मसले पर बात करने के ख्वाहिशमंद हैं आप, गोतू ने यही बताया था। महपरी खातून की और आपकी चूंकि मैं बहुत इज्जत करता हूं, उसी के पेशे नजर एक छोटा सा राज बताना चाहता हूं मैं। ऐसा क्या है जो तुम जानते हो और हम नहीं? सुल्तान मौसम सल्तनत को नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने वली अहद को ही नहीं बल्कि आपको और यहाँ तक के दीगर अमीरों को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया है। महल में होने वाले तकलीफ दे हादसे ने उन्हें इस मुश्किल फैसले के लिए मजबूर कर दिया है। यकीनन जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो सादितीन। इससे पहले कि आप लफ्जों के जार में उलझे, मैं बता देता हूं। सुल्तान ने अपनी जानशीन के लिए शहजादे क्लिच अरसलान को मुंतखब किया है। यह नामुमकिन है। उस्ताद की हैसियत से बहुत मेहनत की है आपने शहजादे पर, मैं जानता हूं, लेकिन सुल्तान ने गयासुद्दीन को हालात के पेशे नजर एर्जिन जान के अमीर के तौर पर कायम रखने का फैसला किया है। हरगिज नहीं, यह किसी तरह मुमकिन नहीं। सुल्तान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। महल पहुंचने के बाद सफर से पहले वो अपने जानशीन का ऐलान कर देंगे। महापरी खातून और आपको कोई शुबा है अगर, तो जल्द ही यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। ये सब मुझे तुम क्यों बता रहे हो सादितीन?
सबसे पहले अर्तुरुल पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। सुल्तान को अगर अल्लाह न करे कुछ हो जाता है तो फिर वसीयत पूरी करने के लिए कलेच अरसलान को सुल्तान बनाने के लिए बगैर किसी हिचकिचाहट के वो तमाम तुर्क कबाइल को आपके खिलाफ बगावत पर आमादा कर लेगा। यकीनन कोई शुबा नहीं इस बात में। आला कम अज कम अर्तुरुल को तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या है। महपरी खातून को मेरी जानिब से यह नजराना पेश कीजिएगा और आप उन्हें मेरा यह पैगाम जरूर दीजिएगा कि उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं मैं। मुहाफिजो हाजिर हो सकता हूं हाइमा खानम। अंदर आ जाओ बमसी। वालिदा आपने मुझे याद किया। आओ बैठो मेरे पास। क्या बात है बमसी, तुर्कुत और तुम्हारे दरमियान क्या मसला है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं वालिदा, हमारे दरमियान क्या मसला हो सकता है? बमसी मैं जानती हूं कि तुम्हें इस मसले की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम्हारी जुबान और आंखें एक दूसरे का साथ नहीं दे रही। तुम दोनों आपस में क्यों उलझ रहे थे? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। चलो बताओ मुझे बेटा, क्या हुआ है, आखिर क्या मसला है? मुझे नहीं पता कि मैं कैसे हिम्मत करूं ये कहने की, लेकिन सरदारी ने तुर्कुत को अंधा कर दिया है वालिदा। वो गलत फैसले कर रहा है। चावदार कबीले की पहाड़ों की जगह बिल्कुल मुनासिब नहीं है वालिदा। दुश्मन को हम अपनी कमजोरी अपने हाथों से पेश कर देंगे, यही बात समझाने की कोशिश की थी वालिदा, लेकिन तुर्कुत ने हर धर्मी से रद्द कर दिया। तुर्कुत कई सालों से सिपा सालार रहने वाला एक माहिर शख्स है बेटा, और अब चावदार कबीले का सरदार भी है। वो अकेले ये फैसला तब्दील नहीं कर सकता। सबसे मशावरत और रजामंदी के बगैर उसने ये फैसला नहीं किया होगा। अगर वो अपने किए गए फैसले पे कायम है तो सरदार की हैसियत से जिम्मेदार वो है। बमसी तुर्कुत के कंधों पे बहुत बोझ है बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम उसके साथ तआवुन करो। देखो बमसी मेरे बच्चे, अर्तुरुल और कुंदोगतु दोनों इसी मसले की वजह से अलग हो गए। तुम भी जानते हो यही वजह है कि इतने अरसे से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। उन्हें देखने की हसरत मेरे दिल को रोज जलाती है। अब मैं तुम्हें और तुर्कुत को इस मकाम पर नहीं देखना चाहती। मायूस नहीं करना मुझे। तसल्ली रखिए वालिदा, बिल्कुल तसल्ली रखिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया वालिदा। दादा हजरत आप अपने साथ तलवार क्यों नहीं रखते? दुश्मन से डर नहीं लगता आपको क्या? अल्लाह की पनाह हासिल करने के बाद क्या किसी डर की जगह रहती है? तो फिर दादा हजरत अगर अभी दुश्मन आ जाए तो आप क्या करेंगे? जब यहाँ एक बहादुर जंगजू मौजूद है तो यही मुझे दुश्मन से बचाएगा। बिल्कुल बचाऊंगा मैं। आपको पता है मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन की आँख भी फोड़ दी थी। तुमने तो दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया, तो फिर तुम अपने बाबा के बहुत बहादुर सिपाही बनोगे।
फर्जंद, दुश्मन पर हमला करना भी एक महारत है, लेकिन उससे भी बढ़कर असल महारत दुश्मन को अपनी सफ में शामिल करना है। इस तरह जो दुश्मन तुम्हारी जान के दर पे है, वो जान का सामिन बन जाएगा। तो फिर दादा हजरत, मुझे बताएं ना, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब मदीने हिजरत कर रहे थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने साथ लेकर निकले, तो मक्के के मुशरिकीन ने हमारे प्यारे नबी को गिरफ्तार करने पर इनामात का ऐलान कर दिया। अबू बुरैदा भी उन लोगों में शामिल था जो हमारे पैगंबर को तलाश कर रहे थे, यहां तक कि वो हमारे पैगंबर तक पहुंच गया। उसकी नीयत कत्ल की थी, हमारे नबी ये जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने उससे कलाम किया। अबू बुरैदा पैगंबर अकरम के बेहतरीन अखलाक से, आपकी शीरें गुफ्तगू से और आपके नूरे जमाल से इस कदर मुतासिर हुआ कि वो हैरत ज़दा रह गया। उसे इतराक हुआ कि वो जिनसे बात कर रहा है वो तो प्यार और मोहब्बत के पैकर हैं। उसी लम्हे वो कलिमाए शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया, जबकि नेक इरादे से नहीं आया था वो। उसका मकसद आपको मार के सोना और जवाहरात हासिल करना था। उसका तारीख दिल हमारे पैगंबर के नूर से मुनव्वर हो गया। माशाल्लाह, हमारे पैगंबर कितने खूबसूरत थे ना, दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। दादा हजरत, आप दुआ करेंगे मेरे लिए कि पैगंबर को अपने ख्वाब में देख सकूं मैं? जरूर करूंगा। दादा हजरत, मैं आज से कोशिश करूंगा कि दुश्मन को अपनी बातों से अपना दोस्त बना सकूं, लेकिन अगर वो बास ना आया जुल्म करने से तो रहम नहीं करूंगा मैं। आफरीन मेरे फरजंद, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बाबा को दिलों को मुसक्कर करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा हजरत। आमीन। अमीर सादतीन का यही कहना था माफरी खातून। और मेरे फरजंद शहजादे गयासुद्दीन का क्या होगा? क्या वो अर्जनजान का अमीर ही रहेगा हमेशा? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। शहजादा किले चरसलान मेरे बेटे को जिंदा नहीं रहने देगा। उसने ये तोहफा मुझे आपको पेश करने को कहा था। बकौल उसके आपके सवाल का जवाब इसमें पोशीदा है। सुल्ताने आजम गयासुद्दीन, आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है? वो आपको ये तोहफा कैसे भेज सकता है? सुल्तान अलाउद्दीन की जिंदगी में शहजादे गयासुद्दीन के नाम पर सल्तनत की अलामत की ये मोहर बनाने की ऐसी जुर्रत वो कर कैसे सकता है? वो मुझे बताना चाहता है कि मेरे बेटे के साथ होगा। उसने वाज़े कर दिया है कि गयासुद्दीन को सुल्तान बनाने के लिए हर तरह से वो मेरा साथ देगा। अमीर सादतीन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, बखूबी जानती हैं आप। यकीनन जानती हूं मैं, लेकिन महल में उसकी ताकत और इख्तियारात की जरूरत पड़ सकती है हमें, और वो हमारे साथ को भी अपने लिए महफूज समझेगा। पता नहीं क्या गुल खिलाया इसने,
पहले सुल्तान की जान बचाई उसने और उनका पसंदीदा अमीर बन गया वो। यह सब झूठ भी हो सकता है। अर्तुरुल सरदार से मोहतात रहने को कहा है, मुमकिन है वो भी हमारी तरह खौफजदा हो उससे। ये भी तो हो सकता है कि अमीर निजामुद्दीन की मौत, ये भी मुमकिन है कि सब अमीर सादुद्दीन का खेल हो, क्योंकि अमीर सादुद्दीन ने खुद को मुश्किल से निकालने के लिए हमारी मदद की दरख्वास्त की है, तो हम भी अपना मकसद पूरा होने तक उस शख्स का इस्तेमाल करेंगे, गयासुद्दीन के तख्त नशीन होने तक। कोई लम्हा सुकून का नहीं होगा। सबसे पहले सुल्तान से बात करके सादुद्दीन की कही गई बात की तस्दीक करूंगी मैं। अगर वह सच्चा है तो समझो वक्त आ गया है। सल्तनत के वारिस के लिए खून बहाना हलाल है। अपने भाई जगत के साथ जिस महल में परी पड़ी वहीं वापस आ गई हलीमा। मेरा महल तो आपके सीने में धड़कता दिल है अर्तुरुल। इस महल ने तो मुझसे मेरे सारे रिश्ते छीन लिए। मेरे बाबा, मेरा इकलौता भाई, मोहतात रहिएगा। यहां हर दरवाजे के पीछे जहरीला सांप डसने के लिए तैयार बैठा है। हलीमा, हम यहां सबसे बड़े सांप का सर कुचलने और अपने दिन को यादगार बनाने आए हैं। अब अपनी आंखों से आंसू साफ कर लो। अर्तुरुल सरदार, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अजीज। सुल्तान मुअज्जम ने मुझे आपके इस्तकबाल की हिदायत की थी। महापरी खातून आपसे मिलने की मंतजर हैं। गुलाम आपका सामान आपकी आरामगाह तक ले जाएंगे। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। हाजिर हो सकता हूं अमीर हजरत। आ जाओ। अमीर हजरत, अर्तुरुल हलीमा सुल्तान के साथ महल पहुंच चुका है। तो वो हलीमा खातून को भी साथ लाया है। खुशामदीद उन्हें। अमीर हजरत, पता चला है कि अजीज उन्हें महापरी खातून के पास ले गया है। आला, मिलने दो उन्हें उस दगाबाज लोमड़ी से। महापरी खातून के दांतों को मैंने इतनी धार दे दी है कि उन्हें बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी तेज हैं। सुल्तान मुअज्जम सफर पर जाने से पहले लश्कर के मोइने के लिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाएंगे। आप पर उनके एतमाद के साथ साथ उनकी मोहब्बत भी आश्कार है अर्तुरुल सरदार। मोहब्बत हमारे सुल्तान की और वफादारी हमारी है महापरी खातून। खुशकिस्मती से हमारे सुल्तान पर और आप पर कातिलाना हमला करने वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि सुल्तान के अतराफ महल में मौजूद गद्दारों का खात्मा हो चुका है। मतलब क्या है आपका अर्तुरुल सरदार? क्या इस नासूर ने हमें चारों तरफ से जकड़ लिया है? ये सल्तनत इंजीर के दरख्त की तरह है, जैसे जैसे बढ़ता और झुकता है, इसे नोचने वाले भेड़िए
और गद्दार भी नहीं रुकते। बंद दरवाजों को दोबारा खोलना और जख्मों को कुरेदना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा अर्तुरुल सरदार। अपनी जबान के बजाय अपनी तलवार को काटदार रखिए। इंसाफ के लिए अपनी तलवार कैसे काटदार रखनी है हम जानते हैं। आला अर्तुरुल सरदार, आला। हलीमा खातून, मैं दीगर उमरा की खवातीन के साथ आपसे इशाये पर मुलाकात करूंगी। मैं आपकी दावत कबूल करती हूं महापरी खातून। अजीज आपको आरामगाह तक पहुंचा देगा, इस्तराहत फरमाइए। अर्तुरुल के बारे में आपकी राय जान सकता हूं महापरी खातून? अमीर सादतीन सच कहता है, खतरनाक शख्स है अर्तुरुल। सुल्तान से उसकी इस कदर वफादारी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं उसके हर कदम से आगाह रहना चाहती हूं। जैसा आपका हुक्म। भाईचारा अलग है और सरदारी के मामला अलग हैं। मैं अपनी दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अपने फैसलों में किसी को मुदाखलत भी नहीं करने दूंगा। बमसी और आपकी दोस्ती से मैं वाकिफ हूं साहब, लेकिन आप एक सरदार हैं और वो सिपा सलार। जिस तरह वो अपने सिपाहियों के लिए जिम्मेदार है, उसी तरह आप जाफदार कबीले के लिए। वैसे भी ये फैसला आपने अपने लिए नहीं किया है दुर्गुत, मुझे पूरा भरोसा है आपके फैसले पर। तुम फिक्र मत करो असलेहान, कोई भी शख्स हमारे कबीले के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। बमसी मेरा भाई जरूर है, लेकिन उसे अपनी हद को समझना होगा। क्या आप तुम दोनों मिलकर इस इत्तेहाद को खत्म कर दोगे? कैसा भाईचारा है ये, हाँ? अमीर निजामुद्दीन को जिंदान में डालते वक्त उनकी अंगूठी लेना भूल गए थे। चावदार वाले अपनी हिफाजत के लिए काई कबीले के साथ अपने कबीले को ले जाएंगे, लेकिन जो जगह उन्होंने चुनी है वो बहुत खतरनाक है और हमला करने के लिए इंतहाई आसान हदफ है। मेरा मकसद एरिस को बचाना नहीं है, तुर्कुत और बंशी को मारना है। तो फिर हम इन पर हमला कर देते हैं। ये माले गनीमत जमींदार एरिस के बादशाह को तहरीर करदा मकतूब की नकल है।